हेलो एवरीवन, माइक्रो प्रोसेसर एमसीक्यू का फिफ्थ पार्ट है। इससे पहले जिन्होंने फर्स्ट से लेकर फोर्थ पार्ट देखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है जाके वहाँ देख लो। माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम द सीपीयू हैज टू डू फॉलोइंग ऑपरेशन। कौन कौन सा अपने काम करना पड़ता है, फेच द ऑपकोड, बिना ऑपकोड फेच किया आप मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा काम करना है। ठीक है, फिर क्या, रीड ए मेमोरी लोकेशन फॉर द डेटा। अभी आपको डेटा चाहिए अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म उसको परफॉर्म ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर घूम फिर के आपका ये डी वाला है वो आपका हो जाएगा। ये जनरली ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी किसके अंडर में आती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंडर में आती है। ठीक है, नेक्स्ट, एन इंस्ट्रक्शन साइकिल कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन फेच टाइम एंड द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम। तो अभी सी बात है, स्टेटमेंट दिया है कि सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर देखोगे ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है आपका, इंस्ट्रक्शन फर्स्ट, इंस्ट्रक्शन साइकिल इक्वल टू इंस्ट्रक्शन फर्स्ट प्लस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये वाला ही आपका करेक्ट है, बाकी सब चीजें बकवास दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि आपका जो 8085 है, ये फाइव एड्रेसिंग मोड आर, कौन कौन से एड्रेसिंग मोड होते हैं। तो फाइव यहाँ पर होता है, इमीडिएट होता है, इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट जो बोलते हैं, डायरेक्ट होता है, रजिस्टर और रजिस्टर इनडायरेक्ट, ये सारे आपके जो होते हैं ये 8085 के अंडर में आते हैं। तो ये आपका सारे यहाँ पर डी वाला आपका करेक्ट होगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इन द केस अगर कुछ ऑप्शन चेंज होता है तो आपको मालूम हो जाए। ठीक है, द पार्ट ऑफ 8255 कैन बी प्रोग्राम्ड फॉर एनी अदर मोड बाय राइटिंग ए सिंगल कंट्रोल वर्ड इन टू। ठीक है, तो जो कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है अभी से आते हो रजिस्टर का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आपका रजिस्टर जो आपका वो करेक्ट आंसर आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिफ्थ वाला आपको चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड इज नॉट पॉसिबल इन 8085। तो मैंने बताया था क्या वो कौन कौन से होते हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मेन आपका जो होता है आपका वो आप इनडायरेक्ट इंडेक्स वाला जो होता है वो 8085 में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इंडेक्स आपका 8085 को सपोर्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट चलते हैं, 8085 हैज, तो 16 बिट रजिस्टर, 2 3 4। तो अभी इसी बात से मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि 8085 जो होता है उसमें 2 जो होता है 16 बिट रजिस्टर होते हैं, एक आपका जो स्टैक पॉइंटर होता है और एक प्रोग्राम काउंटर होता है, दोनों 16 बिट रजिस्टर होते हैं। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर इज यूजली मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर करते हैं। यहाँ पर लिखा है माइक्रो 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 प्रोसेसर थ्रूपुट। ठीक है, स्पीड विथ ईच इट परफॉर्म आईओ, मतलब इनपुट ऑपरेशन एंड आउटपुट ऑपरेशन। नहीं, ऐसा नहीं होता कि जनरली इनपुट आउटपुट आपका बहुत, जो भी आप इनपुट आउटपुट ले रहे हो फ्री फेरे डिवाइसेस कुछ बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, तो उसके ऊपर नेम नहीं होता। टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट बेसिक ऑपरेशन, हाँ इसका जो करेक्ट आंसर वही है कि जो बेसिक टाइम रिक्वायर्ड होता है, जो मतलब आपका जो टाइम रिक्वायर्ड होता है जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, वो आपको उसी को मेन आपका देखा जाता है, तो उससे ही आपका परफॉर्मेंस वो मेजर किया जाता है। ठीक है, देन इंटरप्ट्स कैन बी जनरली क्लासिफाइड, इंटरप्ट आपके दो टाइप के होते हैं, हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, तो आपके यहाँ पर बोथ आपका यहाँ पर आला दबाव बोल दो या बोथ आप दबाव बोल दो, दोनों सब सही है, तो आला दबाव भी लगा देने का, डी लगा देने का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेंड टना, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर है 5 हार्डवेयर इंटरप्ट, 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। कौन कौन से हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, तो यहाँ ट्रैप होता है, RST 6.5, 7.5, 5.5 और INTR। ठीक है, एक्चुअली ये सारे के सारे हार्डवेयर इंटरप्ट ही हैं, जिसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, और ट्रैप की होती है। और ट्रैप आपका होता है वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है, मतलब प्रोग्रामर द्वारा इसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी से उसके बाद आपको प्रायोरिटी होती है 7.5 की, देन आपका 6.5 की, देन आपका 5.5 की, सबसे कम प्रायोरिटी जिसकी होती है उसको क्या बोलते हैं आपका, वो INTR, ये आपका सबसे कम प्रायोरिटी वाला है। ठीक है, तो ट्रैप ट्रैप को रोका नहीं जा सकता, ट्रैप आ गया तो सारा सब काम छोड़ छाड़ के पहले ट्रैप को एग्जीक्यूट करो, और इन सबको आया तो इन सबको प्रोग्रामर द्वारा जो है इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे सारे जो होते हैं मास्केबल इंटरप्ट में आते हैं। तो इसका डी वाला आपका सही है, जो सारे सारे हार्डवेयर इंटरप्ट में ही आते हैं। ठीक है, देन चलते हैं 10 वाला क्वेश्चन, दस द डाटा विच ए माइक्रो प्रोसेसर नीड टू प्रोसेस कम फ्रॉम डिवाइस सच एज कीबोर्ड। ठीक है, जैसे घूम फिर से डेटा कहाँ से आ रहा है प्रोसेस करने के लिए, तो हो सकता है वो स्विच से आ रहा है, स्विच से ऑन ऑफ करते हो तो वहाँ से भी आ सकता है, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल भी आ सकते हैं, और डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल भी आ सकते हैं। जो बहुत सारे डिजिटल कंप्यूटर भी होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, तो सारी
में दोनों काम करते हैं, ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव जो है आपका वो डी वाला आपका वो सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द 8085 कैन रिस्पॉन्ड टू फोर स्टैनली इनिशिएटेड ऑपरेशन। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? जो रीसेट, इंटरप्ट, रेडी होल्ड, मेमोरी मैप्ड आईओ और मेमोरी चिप। तो ये दोनों कोई ऑपरेशन नहीं है, ये दोनों आपका कोई ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन रीसेट होता है, इंटरप्ट होता है और आपका रेडी होगा होल्ड, वही चार ऑपरेशन ही होते हैं। ये सारे ये वाले आपके ऑपरेशन नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए एंड बी बोथ हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले वाला क्वेश्चन जानते हैं, टू इंटरकनेक्ट पेरिफेरल विद द 8085 एमपीयू एडिशनल लॉजिक सर्किट कॉल्ड इंटरफेसिंग डिवाइस, दिस सर्किट इंक्लूडेड डिवाइस सच एज। कौन सा डिवाइस इंक्लूड करता है? तो जब भी हम कोई एक्सटर्नल कोई पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको बफर बनाना, जैसे आपने इनपुट बफर आउटपुट बफर देखा होगा, डिकोडर जो होता है, कभी थोड़ा जो भी आ रहा है उसको डिकोड करना, इनकोड करना, ये दोनों चीजें होती है। खासा लैचेज भी आपके वहाँ होते हैं, तो यहाँ पर आपका वो डी आपका आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा 8085 रजिस्टर फ्लैग रजिस्टर हैज फाइव फ्लैग। कौन से फ्लैग होते हैं? ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में बता दिया था, कैरी फ्लैग होते हैं, साइन फ्लैग होते हैं, जीरो फ्लैग होते हैं, पैरिटी फ्लैग होते हैं, और आपका जो है एक्जिलरी कैरी फ्लैग होता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे आपके सही है, तो डी आप वाला आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव वाला वो करेक्ट होगा। इसका यही पांच फ्लैग होते हैं आपके 8085 में। ठीक है, काउंटर्स एंड टाइम डिले कैन बी डिजाइंड यूजिंग, ठीक है, किसके द्वारा डिजाइन कहते हैं? ये जो सॉफ्टवेयर द्वारा इसको डिजाइन किया जाता है कि आप इसमें कुछ भी आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन खाली सिंगल इंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको मैं इसको सही नहीं करता। जल्दी अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है तो कर दे, खाली इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो एकदम से एक्यूरेट आंसर होगा और सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द 8085 कोड कैन बी असेंबल्ड बाई यूजिंग ए प्रोग्राम कार्ड है। मतलब असेंबल किसके द्वारा असेंबल किया जाता है? तो उसको सिंपल असेंबल है तो असेंबलर के द्वारा होता है, क्रॉस असेंबलर का नाम होता है, तो क्रॉस असेंबलर द्वारा असेंबल किया जाता है। 16 पे चलते हैं, 16 पे आपका चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? द 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज टू पिन अवेलेबल फॉर आईओ कम्युनिकेशन। कौन कौन से पिन यहाँ अवेलेबल होते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा है? होल्ड एंड होल्ड ए, होल्ड ए बी, होल्ड बी। तो एक्चुअली यहाँ जो दो पिन होते हैं आयो कम्युनिकेशन के लिए, वो आपका होता है होल्ड और होल्ड ए होता है, ये यही दो पिन होते हैं आपका। तो करेक्ट आंसर आपका जो है वो बी वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका डैश इज अ प्रोग्राम डेट अलाउ अलाउ देन यूज टू टेस्ट एंड डिबग द ऑब्जेक्ट फाइल। तो टेस्ट एंड डिबग जो करता है वो आपका डिबगर करके आपका प्रोग्राम होता है, उसके द्वारा ही आपका वो डिबग किया जाता है। तो डिबगर रखेगा आपका, ये आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 18 पर चलते हैं, इट इज ए प्रोग्राम डेट टेक द ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाई असेंबलर प्रोग्राम। ठीक है, कौन जो असेंबलर प्रोग्राम द्वारा जनरेट किया हुआ फाइल है उसको टेक लेता है, तो उसको उसको बोलते हैं लोडर। लोडर तो बी आपका होता है वो लोडर, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी यार, 19 ये 19 क्वेश्चन है, 19 ही क्वेश्चन इसमें टोटल लगता है। तो 19 क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ बिट्स इज कॉल्ड। तो अभी इस बात से बिट 8 बिट के कॉम्बिनेशन को ही बाइट बोलते हैं, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था ये आपका, तो आई थिंक ये वाला सबको मालूम ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, कल पड़ा, कुछ दिमाग में घुसा, तो वीडियो लाइक करने का, कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर इसको अपने प्लस वीडियो को अपने फ्रेंडों को शेयर करो, कम से कम उनको भी थोड़ा ज्ञान मिल जाए, जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर अच्छा लगा तो सही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।